सो so, और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया ही रहना तो गई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशन वन टेप हेडसॉट टिप्स एंड ट्रिक आफ्टर अपडेट तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो को पूरा देखना एंड जो भी यहाँ पर आप हेडसॉट देख रहे हो सारे के सारे मेरे रोटेशन हेडसॉट है एंड अगर आप लोग रोटेशन एडसॉट सीख जाते हो तो आपके सामने एनिमी कुछ भी नहीं है ठीक है एनिमी कुछ भी नहीं है आपका एवरी शॉर्ट हेडसॉट लगेगा तो चलो यार बिना आपका टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन गाय लेकिन क्या वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इंस्टाग्राम पर चल रहा है इस गिव अवे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन ठीक है और कमेंट पिन में भी आपको मिल जाएगा तो इंस्टाग्राम पर आपको क्या करना है अगर आप लोग डीजे आलोक डायमंड या फिर जो न्यू कैरेक्टर आया करोनो ठीक है रोनाल्डो आप सब जानते होंगे अगर आपको उनमें से कोई भी करैक्टर लेना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डी कर लो वहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है तो कुछ नहीं करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर फॉलो करके मुझे मैसेज कर देना है तो बढ़ देगा इस वीडियो की तरफ तो गाइ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वॉट इज रोटेशन ड्रैग अगर हम डायरेक्ट ड्रैग करेंगे तो क्या हमारा हेडसॉट नहीं लगेगा तो गई ये आपकी सोच बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है कि अगर आप लोग डायरेक्ट अपने फायदे को ड्रैग करते हो अगर एनिमी सामने है तो आपका एम है जो बॉडी पर सेट हो जाता है या फिर लॉक हो जाता है जिसकी वजह से आपका हेडसॉट नहीं लग पाता ये गाइज खुद आप सबको पता होगा ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशन हेडसॉट कैसे मारा है जिससे कि हमारा जो एम है वो एनिमी के हेड पर जाए एंड एनिमी ख़त्म हो जाए तो गैज़ यहाँ पर जो आप सारी क्लिप्स देख रहे हो जिसमें कि मैं एवंटेप हेडसॉट मार रहा हूँ लेकिन सारे रोटेशन आप मेरे फायर फायरबन को देखो कि मैं कैसे ड्रैग कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो गैस यहाँ पर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फायर बटन का साइज़ अगर आपके फायर बटन का साइज़ अच्छा ढंग से नहीं होगा एकदम परफेक्टली नहीं होगा तो गैस आपके हेडसॉट नहीं लगेंगी ये खुद मैं आपको बताना चाहूँगा एंड ये बहुत ही एक मेन पॉइंट है ठीक है तो सबसे पहले आपको अपने फायर बटन की साइज़ को मैंटेन करना है अपने फायर बटन की साइज को कितना रखना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ तो अपने फाइब्रिन की साइज को रखना है गाइज 60 परसेंट के आसपास लाइक आप समझ सकते हो कि 60 परसेंट कितना होता है आप सेटिंग में जाकर देख लेना और 60 परसेंट के आसपास देख लेना कि कितना होता है ठीक है तो उसके बाद जो गाइज हमारा चीज आता है वो है गाइज हमारा सेंसिटिविटी तो जैसा कि आप सबको पता है कि आफ्टर अपडेट यानी कि अपडेट के बाद सेंसिटिविटी को थोड़ा सा हाई कर लिया है तो सेंसिटिविटी को आपको फुल कर लेना है एंड उसमें से दस को माइनस कर लेना है यानी कि नाइन्टी के आसपास आपको जनरल और रेड डॉट दोनों का दोनों सेंसिटिविटी रखना है ठीक है ये दो चीज़ क्लियर होने के बाद अब आपको मेन पॉइंट पर आना जो है जो कि है जो कि है गाइज रोटेशन ड्रैग अब देखो यहाँ पर मैंने इस बंदे को वन टैप मारा मेरे फायर बटन को आप ध्यान से एंड एकदम केयरफुली देखना गाइज ठीक है कि इसको मैंने कैसे ड्रैग किया था अब नेक्स्ट क्लिप आता है उसमें भी आपको ध्यान से देखना है देखो सामने एनिमी है जंप किया जैसे ही मेरे पैर टच हुए जमीन को देखो मैंने अपने पैर को नीचे खींचा और ऊपर खींचा यानी कि रोटेशन किया तो इसको हैड शॉट बहुत ही इजी तरीके से लग गया एंड बंदा खत्म एंड यहाँ पर कुछ और भी क्लिप दिखाता हूँ उसमें भी आप लोग देखो कि मैं कैसे रोटेशन करता हूँ एंड कैसे कैसे ड्रैग हेड शॉट मारता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं जा रहा हूं देखो जैसे एनिमी को देखा मैंने अपने एम को एनिमी के ऊपर सेट किया उसके बाद देखो मेरे फायर बिल्ड को आप देखो मैंने नीचे करके रोटेशन किया ड्रैग देखो राइट की तरफ रोटेशन किया या नहीं देखो आप आराम से देखो गाइज कि मैंने कैसे रोटेशन किया उसके बाद इसको तुरंत वन हेड शॉट लग गया तो बहुत ही इजी है गाइज रोटेशन हेड मारना लेकिन उसके लिए जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक स्टार्टिंग में बताई कि आपको अपने फायर फायरबीन का साइज़ को मेनटेन करना है उसके बाद जो चीज़ है वो मैन है आपकी सेंसिटिविटी और जो ये चीज़ें करने के बाद आपको अपनी जो मूवमेंट स्पीड है उसको भी तो तेज़ करना ही पड़ेगा गाइज ठीक है तो अपने मूवमेंट स्पीड को तेज़ करने के लिए गाइज आपको क्या करना देखो यहाँ पर भी मैंने अपने फायरबीन को नीचे खींचकर ऊपर खींचा यानी कि रोटेशन ड्रे किया तो उसको हेडसॉर्ट लग गया ठीक है तो कभी भी आपका डायरेक्ट एकदम अगर आप ड्रैग करोगे तो आपका हेडसॉट नहीं लगेगा एनिमी को लेकिन जब आप लोग रोटेशन करोगे यहां पर भी देखो मैंने रोटेशन किया तो इसको हेडसॉर्ट ईजिल लग गया मैं जितनी भी क्लिप दिखा रहा हूँ सब में मैं रोटेशन करके ही हेडसॉट मार रहा हूं अब देखो सामने जो एनिमीज आ रहा है मेरे राइट साइड में उसको मैं कैसे हेडसॉट मारता हूँ जैसे एनिमी को देखा देखो जैसे एनिमी को देखा मैंने पहले पीछे मुड़ा कि पीछे कोई एनिमी नहीं है नहीं था एनिमी अब इसको मैं कैसे हेडसॉट मारता हूँ देखो एनिमी जा रहा है अब देखो मेरे फायरब्रेन को आप ध्यान से देखो एकदम केयरफुली देखो नीचे करके ऊपर खींचा ठीक है यानी कि नीचे करके ऊपर खींचा अब एनिमी लेफ्ट में जा रहा तो मैंने अपने फार्मिंग को नीचे खींच के लेफ्ट की तरफ रोटेशन किया अगर वो राइट में जा रहा होता तो नीचे करके राइट की तरफ रोटेट करता तो हेड शॉट ईजीली लग जाता और लग भी गया गाइज ठीक है तो ये चीज़ है गाइज हेड शॉट माने का बहुत ही ईजी ट्रिक ट्रिक है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग को ध्यान में आ जाएगा कि कैसे रोटेशन करना है किस टाइप से करना है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज एंड ऐसे वीडियो के लिए मतलब ऐसे वीडियो के साथ आपको मिलता रहूँगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड कुछ क्लिप को इन्जॉय कीजिए एंड लव यू गाइज